2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2010 में एशियन कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी, 2016 में T20 एशियन कप और एशियन कप, ये सारे खिताब भारत के नाम हैं। तो इस ये सारे जो खिताब है वो किसके जरिए भारत को मिले हैं, ये बात आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हम सभी जानते हैं। जी हाँ, ये खिताब मिले हैं कैप्टन कूल MS धोनी जी की वजह से। तो वो उनमें ऐसी क्या चीज थी, उनमें कोई कुछ तो ऐसी चीज होगी जो इतने सारे खिताब उन्होंने भारत को दिलाए हैं। आप देखते होगे जब भी वो खेलते हैं उस समय आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वो ऐसी क्या चीज है जिस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया है, वो है उनका मैदान में उतरने से पहले रणनीति बनाने का तरीका। जी हाँ, वो एक अच्छे रणनीतिकार थे, तब जाके उन्होंने इतने सारे खिताब भारत के नाम किए हैं और अपना नाम सदा सदा के लिए रोशन कर दिया है। वो तो अपने फील्ड के रणनीतिकार थे, क्या आप अपने फील्ड के रणनीतिकार हैं? देखिए, इस वर्ष, इस साल जो प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम रही है सभी बागवानों की, वो है कि जो सेब के पत्ते हैं वो समय से पहले ही झड़ चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? तो अगली वर्ष हमें सेम प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, सेम ऐसी ही दिक्कत का सामना हमें अगले वर्ष ना करना पड़े, इसके लिए हमें अभी से ही रणनीति बनाने की आवश्यकता है। हमें मैदान में उतरने से पहले ही रणनीति बनाने की आवश्यकता है, तब जाके हम अपने फील्ड के बादशाह बनते हैं। तो हम अभी से क्या कर सकते हैं, हमें अभी से किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, हमें अभी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब जाके हम फंगल डिजीज पर, एयरबोर्न फंगल डिजीज पर 100% क्योर पा सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, देखिए अभी आपको जो करना है तुरंत वो ये है कि जैसे ही पेड़ पर से पत्ते नीचे जमीन पर गिरते हैं, आपको उन पत्तों को डिकम्पोज करना है, उन पत्तों को ट्रैश करना है, मिटाना है। क्यों? क्योंकि जो ये एयरबोर्न फंगल डिजीज है, ये 3 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के लिए ये पेड़ पर से अलग होती है, पेड़ पर नहीं रहती है, पेड़ से अलग हो जाती है, यानी कि वो जमीन पर आ जाती है पत्तों के साथ ही। तो उन पत्तों को यदि आप डिकम्पोज करते हैं तो वो जो फंगस है, वो जो एयरबोर्न फंगल डिजीज है, वो भी खत्म हो जाती है। देखिए अभी स्टेज क्या है, जो फंगस है अभी, जो ये 3 महीने है, ये सर्दियों के महीने होते हैं, और ऐसे में वो जो फंगल डिजीज होती है, पत्तों को झड़ाने वाली जो फंगस होती है, ये अभी बहुत धीमी पड़ जाती है, इनके लिए बहुत क्रूशियल, बहुत कठिन वक्त ये होता है। तो ऐसे में ही यदि आप इसी वक्त पर शत्रु पर चोट करते हैं, शत्रु कौन है, फंगल डिजीज, इन पर चोट करते हैं, तो इनका खात्मा हो जाता है, आप लगभग 60 से 70% की ओर फंगल डिजीज पर पा लेते हैं। आप ये अभी निर्धारित कर लेते हैं कि अगले वर्ष आपके ऑर्चर्ड में फंगल डिजीजेस की वजह से पतझड़ होगा या नहीं होगा। यदि आप अभी पत्तों को डिकम्पोज कर लेते हैं तो नहीं होगा, यदि आप नहीं करते हैं तो अगले वर्ष भी आपको सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही चीज का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपको इन पत्तों को डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो केमिकल फार्मर्स है वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केमिकल फार्मर्स है वो यूज कर सकते हैं उन पत्तों पर यूरिया का, यूरिया की स्प्रे आप उस पर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप H2O2 का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप सल्फर का इस्तेमाल उन पत्तों पर कर सकते हो, और आप डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2O2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अवेलेबल है वो आप उस पर यूज कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो पत्ते डिकम्पोज हो सके। और यदि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो आप वहां पर यूज करेंगे खट्टी छाछ का, खट्टी लस्सी का। यदि वो कॉपर बेस है तो और बेहतर है, यदि कॉपर बेस नहीं है तो भी आपको वहां पर खट्टी लस्सी का ही इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उन पत्तों को आप इकट्ठा कर ले, एक पॉलिथीन के बैग में भर ले, उस बैग को एयर टाइट कर ले, और किसी धूप, जहां पर धूप पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, उस जगह पर उसे रख दे। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, उसके अंदर जो फंगल डिजीज है वो खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम पत्तों को इकट्ठा करके आग भी तो लगा सकते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप यदि खेत में आग लगाते हैं तो खेत में जितने भी माइक्रोब्स, हमारे मित्र माइक्रोब्स है, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, वो भी उसमें ही जल भुन जाते हैं, और साथ ही साथ एनवायरमेंट टेम्परेचर भी गर्म होता है,
जिस वजह से बर्फ नहीं गिरती। तो आग ना लगाने के बहुत से कारण हैं, आपको आग उन पत्तों को नहीं लगानी है, आग के हवाले उन पत्तों को नहीं करना है। इसके अलावा आपके यदि आप भेड़े पालते हैं तो भेड़ों को आप खेत में कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने आप उन पत्तों को चुग लेगी। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको उन पत्तों को डिकम्पोज करना ही करना है। यहाँ पर मैंने कहा कि आप यदि ऐसा करते हैं तो 70% की ओर आप पा लेते हैं फंगल डिजीज पर। अब बचा बाकी का 30%। तो 30% आपका डिपेंड रहता है कि आपकी जो प्रूनिंग है, जो कैनोपी मैनेजमेंट है वो कैसा है, और साथ ही साथ आपका स्प्रे शेड्यूल कैसा है। ये चीजें आपको बताई जाएगी जब सही समय आएगा, यानी कि जब विंटर प्रूनिंग का समय आएगा उस समय आपके लिए स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी जाएगी कि पौधे की कैसी कैनोपी होनी चाहिए ताकि उस पर फंगल डिजीज अटैक ना कर सके। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, लेकिन इसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा, आपको मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है ताकि आपको जैसे ही मैं वो वीडियो शेयर करूँ आप तक, आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। जो एक्टिविटी आपको करनी है समय समय के साथ आपको अपडेट मिलती रहेगी, समय समय के साथ आपको वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा कि आपको कैसी एक्टिविटी किस समय पर करनी है, और आपको हर एक तरह की समस्या, जो जो भी प्रॉब्लम्स, जो जो भी दिक्कतें आती है से बागवानी करते हुए, उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पेज पर मिलने वाले हैं। तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अभी से रणनीति बना करके चलना होगा, बिल्कुल कैप्टन कूल MS धोनी की तरह, तभी आप अपनी फील्ड में उन्हीं की तरह अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपको करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि सभी बागवानों को पता चल सके इस चीज के बारे में, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये जो काम है, वो अभी के अभी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा जल्दी ये हर एक बागवान तक पहुंचेगा। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन तक जितनी जल्दी पहुंचेगी उतने जल्दी वो अपने ऑर्चर्ड में इस काम को पूरा कर देंगे। तो आपके सहयोग की आवश्यकता है, मैंने अब तक ये वीडियो के जरिए जानकारी पहुंचाई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।